शार्क्स, ये कैसे लगे आपको प्रोडक्ट? वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बढ़िया है, सॉफ्ट है बहुत। आप गेस कर सकते हैं ये क्या है? कॉटन। मैं बताता हूँ, यूजुअली वर्ल्ड में 5 तरह के नेचुरल फाइबर्स पाए जाते हैं। हमने 6th नेचुरल फाइबर इन्वेंट किया है बाय अपसाइक्लिंग ऑफ चिकन बुचरी वेस्ट। अगर आप 1 kg चिकन लेने जाते हैं तो आपको 650 ग्राम चिकन ही खाने वाला मिलता है, 350 ग्राम जो होता है वो वेस्ट होता है, जिसमें इनर सेल्स, ब्लड, स्किन और फेदर आते हैं। इसे हम BCW वेस्ट, बुचरी चिकन वेस्ट कहते हैं। दिल्ली, NCR और UP में तकरीबन 30 लाख मैट्रिक टन कचरा साल का बुचरी चिकन वेस्ट से प्रोड्यूस होता है, जो लैंडफिल और वाटर बॉडीज में जाता है। ये कचरा बायोडिग्रेडेबल तो है, बट इसको 60 से 70 साल लग जाते हैं बायोडिग्रेड होने में। तो जब मैं इस कचरे पे काम कर रहा था तो मुझे लगा कि इस वेस्ट को हम बेस्ट में बदल सकते हैं, तभी जन्म हुआ गोल्डन फेदर्स का। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम राधेश अग्रहरी। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम अभिषेक वर्मा। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम मुस्कान सैनिक है और हम तीनों जयपुर से आए हैं। गोल्डन फेदर्स में हम रैक पिकर्स को ट्रेन करते हैं और इस कचरे को कलेक्ट करते हैं। फिर हम इस वेस्ट को 27 नेचुरल सैनिटाइजेशन प्रोसेस से प्रोसेस करके सेग्रीगेट करते हैं। शार्क्स, 93% वेस्ट निकलता है इनर सेल्स, टिश्यू से, जिसे हम फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करते हैं और फेदर्स को इस वेस्ट से सेपरेट करते हैं। हमने इन फेदर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है वोवन, जिसमें हम शॉल्स, मफलर्स बनाते हैं, जैसा कि आप सभी के पास हैं, जो एग्जिस्टिंग नेचुरल मैनमेड सिंथेटिक फाइबर से 10 गुना ज़्यादा सॉफ्ट, वार्म एंड ड्यूरेबल होता है। दूसरा है फिलर्स, जिसमें हम बनाते हैं रेंज ऑफ क्विल्स एंड जैकेट्स। और तीसरा है नॉन वोवन, जिसमें हम बनाते हैं हैंडमेड एंड प्रिंटिंग राइटिंग पेपर। शार्क्स, हमारा एक 65 ग्राम का मफलर 9 kg कार्बन फुटप्रिंट कम करता है और एक ट्राइबल वुमेन आर्टिसन को 3 दिन का रोजगार देता है। हमारे इस प्रोसेस का पेटेंट ग्रांटेड और पब्लिश्ड है। इसके अलावा 1,90,000 टन हमने ये इस वेस्ट का नदियों में और लैंडफिल में जाने से बचाया है। शख्स, हमारा विजन है प्लास्टिक, वुड पल्प और मैनमेड सिंथेटिक फाइबर्स का बेस्ट अल्टरनेटिव बनना। तो शख्स, इसके लिए हमारी आस्क है 5 crore पे 5%। तो शार्क्स, क्या आप रेडी हैं भारत के इस वेस्ट को बेस्ट बनाने के लिए गोल्डन फेदर्स के साथ? राधेश, मुस्कान और अभिषेक, आपको बहुत बहुत स्वागत शार्क टैंक सीजन 3 में। थैंक यू सर। ये तो नया इन्वेंशन ही लग रहा है सुनने में, और आपको पेटेंट भी ग्रांटेड है। यस सर। और ग्लोबली ये फर्स्ट है जो आपने किया? यस सर। आप लोगों का क्या बैकग्राउंड है? हाउ डिड यू इवन डिस्कवर, कैसे हुआ है? सर, हम तीनों डिज़ाइन बैकग्राउंड से हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिज़ाइन में जब मैं डिज़ाइन थिंकिंग एंड करंट प्रॉब्लम पे काम कर रहा था, कोर्स में ये सब्जेक्ट दिया गया था कि हमें किसी करंट प्रॉब्लम में काम करना है। तो जैसे हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे थे, किसी ने प्लास्टिक में, किसी ने सैनिटरी नैपकिन्स में, किसी ने सारे अलग अलग वेस्ट में काम किया। क्योंकि मैं फूड लवर हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना फूड वेस्ट में काम किया जाए। मैंने चिकन वेस्ट यूज़ किया, बट मेरा एज अ कोई मोटिव नहीं था कि मैं एज अ 6th नेचुरल फाइबर इन्वेंट करूंगा। बट जब मैंने इसमें प्रॉपर्टीज देखी, इसमें वाटर एब्जॉर्बेंसी बहुत अच्छी है, दुनिया का हाईली इंसुलेटेड मटेरियल है, अभी तक ग्लास फाइबर था इससे भी ज़्यादा हाईली इंसुलेटेड मटेरियल है, क्योंकि टेक्सटाइल बैकग्राउंड था, तो इसमें मैंने अलग अलग टेस्टिंग करी, अलग अलग लाइक कि इसमें डाइंग प्रॉपर्टीज है कि नहीं है, इसमें स्पिनेबल प्रॉपर्टीज है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर 2016 में मैं इसको स्पिन कर पाया। इन्वेंशन क्या, मैं अभी तक समझ नहीं पाया, आपने इन्वेंट क्या किया है जो कि इसको कन्वर्ट कर रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस? इससे सर, ये सैनिटाइजेशन प्रोसेस जो है सर, वो पूरा नेचुरल सैनिटाइजेशन प्रोसेस है। अगर आप किसी भी फाइबर्स को या फैब्रिक को किसी भी केमिकल या हार्ड केमिकल में, जैसे आज वॉशिंग केमिकल्स आते हैं, उसमें डालेंगे तो फेदर डाइल्यूट हो जाता है, उसका अपना प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। तो जो इसको हमने प्रोसेस को जो बनाया, जैसे 100 डिग्री स्टीम, क्योंकि इसमें 40 तरह के फ्लू होते हैं, अगर हमें इस कचरे को छूना है या रैक बिकस इस कचरे को छुएगा तो वो कैसे छुएगा, तो उसके लिए हमने कि उसको 100 डिग्री स्टीम में प्रोसेस करना है, फिर इसको हमें सोपनट से वॉश करना है, फिर हमें इसे एलम से प्रोसेस करना है, फिर मुझे आइस में प्रिजर्व करना है, और ये मुझे सिर्फ 24 घंटे के अंतर में करना है, क्योंकि फिर से हमारे यूनिट में वो कचरा रिपीट में आ रहा है। तो ये पूरा वैल्यू चैन सिस्टम बनाना और इसको फर्स्ट वॉश में कम पानी के साथ यूज करना। मशीन इन्वेंट करी है स्पेशल मशीनरी, में समझ नहीं पा रहा अभी। तो आपको पेटेंट किस चीज का मिला है? सर, पेटेंट प्रोसेस पेटेंट मिला है। और उसमें क्या मिला आपको एग्जैक्टली, कि आपके अलावा दुनिया में कोई ये
वेस्ट यूज करके नेचुरल तरीके से ये नहीं बना पाएगा। दिस इज हैंड कार्डेड फाइबर। तो जैसे क्या होता है कि जब हमने फेदर को पूरा सैनिटाइज कर लिया, फिर हम ट्राइबल वुमेन्स के पास इसको भेजते हैं। तो ये सिर्फ फेदर से बन सकता है? हाँ सर। सैनिटाइजेशन के बाद हम लोग इसको सेग्रीगेट करते हैं। मशीन से नहीं है सर, हमारी कंपनी का मेन मोटिव ये है कि हम इसको फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं करेंगे, क्योंकि एक हमारे कंपनी में मेन फोकस ये है कि हम लाइवलीहुड देते हैं। तो कई सारी ऐसी ट्राइबल बेल्ट हैं जहां पर कितने लोग काम कर रहे हैं आपके सर? तकरीबन अभी तो हमारे साथ 1200 ट्राइबल वुमेन्स फुल टाइम 200 सर। ये ऑर्डर बेस पे होता है। कहां पे ये ट्राइबल वुमेन कौन से राज्यों में है? राजस्थान के झालावाड़ के असनावर जिले। वहां पर एक एनजीओ था जो कि बहुत डेड हो रहा था, बिकने के कगार में था। तो हम वहाँ गए, वहाँ की वुमेन्स को ट्रेन किया। वो खुद स्किल्ड वीवर्स थे, हमने उनको अपनी टेक्निक सिखाई और फिर हमने उस एनजीओ की एक थोड़ा सा पर्टिकुलर जगह खरीदी ताकि ये एनजीओ बिके नहीं कभी और वो वहाँ पर रह के काम कर सके। तो आपने उन्हें सक्सेसफुल बनाने के लिए मदद कर दिया। यस सर। आपका नाम क्या है फाइबर का? फेदर वूल। फेदर वूल का 1 मीटर वर्सेस कॉटन का 1 मीटर क्या कॉस्ट बैठता है? सर कॉटन जो बेसिक स्टार्टिंग है वो है 60 रुपए से लेके 80 रुपए मीटर तक। आपका 1200 से लेके 1800 रुपए मीटर। कितना? 1200 से 1800। सर इसमें मैं आपको एक और चीज क्लियर करता हूँ। नहीं अच्छा प्लीज क्लियर। सर आप कॉटन से इसको कंपेयर कर रहे हैं, बल्कि ये वूलन फाइबर है जहाँ पे पश्मीना की कॉस्ट 10,000 से 15,000 रुपए मीटर आती है या एक शॉल जाता है उसका। आपने वूलन या नेचुरल सिक्स फाइबर बनाया है। अगर आपने सच में वो इनोवेशन कर दिया और आपकी क्लेम्स है, प्रोसेस आपने पूरा इन्वेंट किया है, आपका पैटेंट भी है, तो आप क्यों ना वो फाइबर या यान बेचकर दूसरे प्रोवाइडर्स को जो फैब्रिक बनाते हैं या गारमेंट्स बनाते हैं सब जगह इसको पहुंचाते हैं, आप प्रोडक्ट्स क्यों बना रहे हैं? होता क्या है सर कि जब भी कोई भी चीज़ मार्केट में नहीं आती है तो हमें मार्केट में अवेयरनेस फैलानी होती है इससे क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। यही रीज़न था कि मैंने 386 डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए और उसका मार्केट टेस्ट किया कि कैसे अलग अलग ये बेचा जा सकता है। उसको फिर मैंने 3 कैटेगरी में बनाया, जिसमें आप जैसे सर बोल रहे हैं कि फाइबर्स भी हम बेच सकते हैं, तो हमारे बिजनेस मॉडल में है जो हम 57% जो फाइबर्स हैं हमारा बिजनेस उसी से आएगा, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत सारे बड़े स्केल में हमें लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और तब तक हम इस काम को रोक नहीं सकते। इसलिए हम बेसिक स्टार्ट लेवल पे हम इसको स्पिन करके प्रोडक्ट्स बना के लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। थोड़ा सा घिन टाइप नहीं आती कई लोगों को कि ये बुचरी वेस्ट से बना रहे हो? इसमें कई लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है जो वीगन होते हैं या, पर उसका रेशियो जो है ठीक है। तो आप कह रहे हो ये नॉन वेज लोगों के लिए? सर आप कह सकते हैं कि जो लेदर यूज करता है वो फेदर भी यूज कर सकता है। और जो पश्मीना शॉल यूज कर रहा है वो तो शीप का ही वूल यूज कर रहा है। वो शीप का वूल है। इवन दैट सर कि जो कि शीप का वूल और भुचरी के यहाँ पे जो वो मिल रहा है उसमें थोड़ा सा फर्क आता है। नहीं, बिल्कुल फर्क आता है। आप फेदर देखेंगे तो आपको ये पता नहीं लगेगा। एक्सेप्टेंस टेक्स टाइम। लेकिन मैं देखूंगा पता नहीं लगेगा, लेकिन जब मैं पूछूंगा तो पता लग रहा है तो प्रॉब्लम होगी। सर तो गूस डाउन फेदर्स जो है वो भी तो बर्ड से ही आ रहा है, उसको भी तो क्लोरलिटी है और वो भी तो पिलोस में डाल के दिया जाता है, वो एक्सेप्टेंस टाइम लगता है लेकिन वो हो जाता है। दो क्वेश्चन, व्हाई 5 crores एंड व्हाई 100 crore वैल्यूएशन? आपका करंट सेल्स क्या है? मैम 94 लाख रुपए। लेकिन फिर आप 100 crore वैल्यूएशन क्यों मांग रहे? चलो मैं 1 crore भी कर देती हूँ आपका सेल्स, 100 times सेल्स कौन देगा आपको? 1 crore लास्ट ईयर? 1 crore नहीं, 6 महीने का है ना? लास्ट 3 months का। तो इस साल कितनी सेल करोगे आप? पूरे इस साल 1.5 तक हमारा। ठीक है, 1.5, 100 times सेल्स कौन वैल्यूएशन देता है? मैम ये ऐसा फाइबर है जहां मार्केट में डिमांड के हिसाब से काम होता है। अगर हमें रुई बेचनी है, हमारे पास इतना रॉ मटेरियल है कि अगर हम सिर्फ रुई बेचेंगे तो हम 20 से 30 करोड़ 40 करोड़ हम साल में अचीव कर सकते हैं। देखिए वो एस्पिरेशन पे ना इन्वेस्टर्स पैसे नहीं देते, आपका एक सर्टेन सेल्स होना चाहिए फॉर 100 crore आस्क। तो मुझे क्या है ना, आपके एज एन एंटरप्रेन्योर भी डाउट आ रहा है कि आप कैसे यहाँ आ गए 100 crore मांगने विद 1.5 crore सेल्स। मतलब मुझे डर लग रहा है आपके थिंकिंग को लेकर। पहली चीज तो ये कि ये वर्ल्ड का ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हमने जर्मन डिजाइन अवार्ड, दुनिया का बेस्ट डिजाइन टेक अवार्ड है, जिसमें हमने जीता है। मैम लेट मी फिनिश। सपोज अगर हमें ट्रेन की बिजनेस करना है तो हमें पटरी तो बिछानी पड़ेगी और उतना इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर हम 100 करोड़ रुपए बिजनेस लगाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो हमें 5 करोड़ रुपए का धंधा चाहिए, यही चाहिए। तो 5 करोड़ का क्या करेंगे आप? मैम उसमें से हम फिलर्स, फाइबर्स और स्केल अप करेंगे, मार्केटिंग करेंगे मैम, क्योंकि इंडिया में इसकी मार्केट नहीं है। मैम वर्ल्ड में 80 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे ठंड होती है और इस तरह के फाइबर्स वहाँ पर बिकता है।
आपने कुछ पैसे उठाए हैं क्या पहले, इसलिए इतनी वैल्यूएशन हो रही है? कितना उठाया आपने? मैंने 6% पे 30 लाख रुपए उठाए। कौन से साल में लिया था? 2020। तो कितना होता है वैल्यूएशन? लगभग 7.5 करोड़ रुपए। 7.5 करोड़ रुपए और आप है 100 करोड़। ठीक है भाई। सर उस वक्त हमारी कंपनी को ना पेटेंट ग्रांट हुआ था, हमारा पेटेंट केवल पब्लिश था, आज हमारे पास पेटेंट है। एक चीज जो समझ नहीं आ रही ना, आप बोल रहे हो पेटेंट है, बढ़िया है, अच्छा लगा मेरे को ये भी, पर आपकी सेल है टोटल इस साल की 1.5 करोड़, आप खुद ही कह रहे हो इसका मतलब इस पर्टिकुलर चीज की डिमांड नहीं आई। अगर डिमांड आती तो लाइक हॉट केक सेल हो रहा था, और मार्जिन स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा होना चाहिए मेरे व्यू में। कितना आपका मार्जिन स्ट्रक्चर? सर 100%। तो अगर इतना हाई मार्जिन स्ट्रक्चर है तो मतलब प्रॉब्लम डिमांड की। अगर कोई माल मांग रहा होता तब तक तो अपनी सेल कहाँ पहुँच जाती इस नए इनोवेशन। हमारे पास कई ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने हमें 40,000 टन पर ईयर का हमसे रॉ मटेरियल मांगा है, बट हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उनको सप्लाई। आप तो 1 करोड़ में बैठो भाई, आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हो मेरे को। अभी आपकी करंट मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 1200 लोग एम्प्लॉय करके बैठे हो। 200 टन हम पर मंथ हम प्रोसेस करते हैं। कितनी सेल अपनी इस मंथ? 25 से 30 किलो हम लोग बेच रहे हैं। आप बोल रहे हो मेरे 1 टन की कैपेसिटी है? 2 टन। 2 टन की कैपेसिटी और भी ज्यादा चाहिए। मैं केवल 30 किलो बेचता हूँ राइट, फिर आप बोल रहे हो मेरे और प्रोडक्शन का प्लांट लगाने, कहाँ से लॉजिक सेंस बनाना? सर प्रोडक्शन प्लांट में भी 3 प्रोसेस हैं। एक है प्रोसेस फेदर प्रोसेस क्लीनिंग का, दूसरा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, और तीसरा है उसका डिजाइनिंग का। हमारे पास प्रोसेसिंग प्लांट ऑलरेडी है। ये 1 टन का जो आपने बताया? हाँ सर, ये पुणे में हमारा बेस है, 2 टन का हमारा। आप 2 टन बना सकते हो ना माल अगर ऑर्डर आए तो? मैं कह रहा हूँ ऑर्डर की कमी है, वो मान ही नहीं रहे हो। सर उसके लिए मार्केट की कमी है, हम इंडिया में रह के हम बाहर नहीं जा सकते। अभी मेरा क्वेश्चन होगा, मैं कंक्लूड कर सकता हूँ? एक्चुअली मैं आउट हूँ, मैं अभी से आंसर दे देता हूँ। मेरे को और ज्यादा आगे बढ़ना नहीं इसके अंदर, क्योंकि मेरे को लगता ही नहीं कि इसके अंदर आप समझ पा रहे हो कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है। आपको अभी सेल्स की नीड है, आपको मार्केट क्रिएट करना है, नया कैटेगरी है फाइबर। अगर मैं आपकी जगह हूँ ना तो मैं बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर्स हैं शॉल्स को, उनको जाकर अपना मटेरियल दिखाऊंगा नया फाइबर, और मैं बोलूंगा सर आप कितना लेना चाहते हो। ये धंधा होगा प्योर B2B2 स्टार्ट विद, एक नया फाइबर इंट्रोड्यूस करना मार्केट में, और अगर फाइबर अच्छा होगा तो इट विल लैप अप लाइक एनीथिंग। और आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं लग रही मेरे को, मेरे को लग ही नहीं रहा कि यू नो यहाँ पर आप समझ पा रहे हो कि धंधा कैसे बनाना है। आज मैं बाहर हूँ, 4 शेयर बाकी। मैं भी आउट हूँ, क्योंकि आई थिंक यू नो एंटरप्रेन्योर्स में एक रियलिस्टिक थिंकिंग होनी चाहिए। बेस्ड ऑन 1.5 करोड़ रेवेन्यू आप 100 करोड़ मांग रहे हैं, आई एम नॉट लाइकिंग योर थिंकिंग, और इसलिए मैं आपसे जुड़ना नहीं चाहूंगी। बट आई होप इट्स अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट एंड मेक्स इंडिया प्राउड, सो विश यू द बेस्ट। मेरे को पहली चीज तो 5 करोड़ का अभी तक हजम नहीं हुआ, 5 करोड़ आपको क्यों चाहिए? और दूसरा, आई डोंट बिलीव इन दिस इनोवेशन जो आपने की है, और जहां मेरा बिलीफ नहीं होगा वहां मैं पैसे नहीं डाल पाऊंगा। मेरे 5 करोड़ मैं आपको नहीं दे सकता, अनफॉर्चुनेटली मैं आउट। मुझे लगता है अगर आप एक अच्छा बिजनेस का एग्जीक्यूटिव को अपने साथ जोड़ें जो इस इंडस्ट्री से हो, जिन्होंने विदेश में भी इंडिया में भी इस तरीके की चीज़ों की सेल्स करी है, आज क्योंकि वो अभी तक आपके पास सेट नहीं है तो मैं इस डील से बाहर होना चाहूँगा, पर मैं आज आपको कुछ डेफिनेटली देना चाहता हूँ। जिस NGO के साथ आप जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें अपनी तरफ से 1,000,000 का ग्रांट देना चाहूँगा, जिससे कि वो NGO अच्छी बढ़े, उनके यहाँ पे जॉब्स बढ़े। बट आज इस डील से जो है मैं नहीं जुड़ पाऊंगा, तो उसके लिए मैं आउट हूँ। मेरे को क्या लगता है ना कि प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है अभी आपके पास, राइट? इसीलिए आप अलग अलग चीजें, यान, रुई, फैब्रिक, फाइनल प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं होता ना आदमी के पास, तो ये सब चीजें ट्राई करते हैं, कहीं बैठ जाए अपना धंधा। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। गुड लक, ऑल द बेस्ट गाइस।